गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द पार्सन इंटरनेशनल स्कूल। तो लास्ट क्लास में हमने बिल कैलकुलेट करने का फोर्थ मैथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ मैथड, एन्युटी मैथड। बड़ा इजी है, सुपर प्रॉफिट मैथड के जैसा ही। चलिए, तो बिल कैलकुलेट करने का जो फिफ्थ मैथड है, ये तो सबसे आसान मैथड है, कुछ भी नहीं है। मैथड का नाम है एन्युटी मैथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला है। गुडविल निकालने में सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला याद था आपको? उस मेथड से फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। यहां बस इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस की जगह आपको लेना है सुपर प्रॉफिट इनटू एन। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस जो लेते थे हम सुपर प्रॉफिट मेथड में, उसके लिए क्योंकि ये एनुअल मेथड है तो आपको एनुअल लेके चलो। चलिए, ये गुडविल का फॉर्मूला। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट 11 करा था। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 10,000। कह रहा है फर्म का जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है? 12,000। आगे सॉरी 10,000 दिया है। आगे लिखा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर द 5 इयर्स। मतलब ₹1 अगर मैं अगले 5 साल तक लूं, तो उसकी जो आज वैल्यू होगी वो ₹5 नहीं होगी, उससे कम होगी प्रेजेंट वैल्यू। और कह रहा वो वैल्यू है 10% के हिसाब से 3.791। मतलब एन्युटी आपको दी हुई है, क्वेश्चन में दे रखी होगी 3.791। तो गुडविल कितनी आ गई? 37,910। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी मैथ। तो एन्युटी मैथड से गुडविल निकालने में गुडविल का फॉर्मूला याद रखिए, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी। चलिए, गुडविल निकालने का ये फिफ्थ मैथड था। इजी था, सेंस नहीं है, एग्जाम में नहीं आता ये। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है गुडविल निकालने का, सिक्स्थ मेथड एंड द लास्ट मेथड। क्या मेथड बोल रहे? ये जो सिक्स्थ मेथड है, लास्ट मेथड, इस मेथड का नाम है परचेज कंसीडरेशन मेथड। ये लास्ट मेथड गुडविल का है। इंटरेस्टिंग मेथड है और ये काम का मेथड है, ये आपके काम आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। चलिए इस मेथड को देखो। इस मेथड के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक बिजनेस है, एक जमी जमाई दुकान। मान लीजिए पिछले 25-30 सालों से मार्केट में चली आ रहा, लेकिन किसी कारण बस इस फर्म का जो ओनर है वो इस फर्म को बेचना चाह रहा, सेल आउट करना चाह रहा, बेचना चाह रहा, और मैं इस फर्म को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने उससे बातचीत करी कि भाई साहब ये मैं खरीद लेता हूँ। तो उसने कहा आप खरीद लीजिए। इस फर्म के पास क्या क्या है ये बता देता हूँ। इस फर्म के पास लैंड जो है वो 10,00,000 रुपए की, मान लीजिए। ये जो बिल्डिंग है वो 10,00,000 की है, फर्नीचर है 10,00,000 का, मशीन है, मैं सब खरीद लेता हूँ। मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वैल्यू, ऐसे करके मैंने दुकान की जो वैल्यू लगाई, लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस फर्नीचर प्लस मशीन, मैं एक ही साथ वर्ड बोल देता हूँ, मतलब जितनी भी एसेट थी, ये सारी की सारी एसेट मैं लेना चाह रहा हूँ। मतलब ये सारी एसेट मेरे को दे दो, ये लैंड भी मैं दे लेता हूँ, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, जो जो सब ले लेता हूँ, मतलब सारी एसेट, टोटल एसेट ये मैंने ले ली। टोटल एसेट मिला के हुई मान लीजिए 10,00,000, 10,00,000 रुपये की एसेट। इसका मतलब मैंने ये जो दुकान खरीदी है, मतलब इस दुकान की जो भी एसेट खरीदी वो 10,00,000 रुपए। इससे मतलब मुझे इस दुकान वाले को, इस ओनर को कितने रुपए पेमेंट करना चाहिए? 10,00,000। 10,00,000 रुपए पेमेंट करना, क्योंकि मैंने एसेट कितनी के लिए? 10,00,000 रुपए। लेकिन इस दुकान का जो ओनर है वो कह रहा है आपको एसेट के साथ लाइबिलिटीज भी लेनी पड़े। मैं कोई बात नहीं है, जो लाइबिलिटी है वो भी मैं दे दूँ। लाइबिलिटी मतलब जो इस फॉर्म को चुकाना था, लेकिन मैंने कहा चलो वो भी मैं चुका दूंगा। और इस फॉर्म की लाइबिलिटी थी, मान लीजिए लाइब्रेरी थी 2,00,000 रुपए की, मैंने कहा चलो ये भी मैं ले लेता। तो मैंने 10,00,000 की एसेट ली इस फॉर्म की,
और 2 लाख की लाइब्रेरी वो भी मैंने ली। तो 10 लाख + 2 12 ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा 10 लाख की ऐसा नहीं, उसमें से 2 लाख की लाइब्रेरी ली, मतलब मैं आप इस फॉर्म को पेमेंट कितना करूंगा भाई, 8 लाख रुपीज है ना, मैंने 10 लाख की ऐसा ली मतलब मुझे पेमेंट करना है 10 लाख, लेकिन इस फॉर्म के 2 लाख की लाइब्रेरी मतलब इस फॉर्म के ऑनर को चुकाना है, लेकिन मैंने कहा चलो वो भी मैं चुका दूंगा, तो इसका मतलब मैं 10 लाख में से 2 लाख तो साथ को दूंगा लाइब्रेरी का, तो मैं मालिक को कितना दूंगा 8 लाख। तो मैंने उसको बोला भाई साहब 10 लाख की हिस्सा है और 2 लाख की लाइब्रेरी है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 8 लाख रुपए का मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये जो 8 लाख रुपीज आता ना एसेट में से लाइब्रेरी माइनस करने के बाद, इसे हम बोलते हैं नेट एसेट्स। तो नेट एसेट कितने के लिए मैंने 1 लाख। अब मुझे 1 लाख का पेमेंट करना था, लेकिन जैसे मैं पेमेंट दे रहा था वो बंदा कह रहा है मैं 1 लाख की बजाय 9 लाख रुपए लूंगा, वो आदमी कह रहा है मैं 8 लाख की जगह 9 लाख रुपए लूंगा, तो मैंने उसको 9 लाख रुपए पेमेंट करा। मान लीजिए इस 9 लाख जो मैंने उसको पेमेंट किया, इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज मतलब जो मैंने खरीदा, कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब बदले में, खरीदने के बदले में मैंने पेमेंट कितना किया 8 लाख की बजाय 9 लाख, मतलब मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट किया। ये जो 1 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिया ना बड़ा, ये किस बात के लिए, गुडविल भाई, उस दुकान की मार्केट में गुडविल है ना, आज वो दुकान पिछले 25 सालों से चली आ रही है, मतलब आज उस मार्केट में उस दुकान की गुडविल। तो बेटा जीवन में ध्यान रखें, मान लीजिए एक जमी जमाई फॉर्म खरीदते हैं आप, उसकी सारी एसेट मान लीजिए 40 लाख रुपए की, लेकिन जो बेचने वाला है वो 45 लाख रुपए आपसे मांग रहा है, मतलब वो 5 लाख ज्यादा मांग रहा है, किस बात के, गुडविल के। तो अगर आपको उस फॉर्म को खरीदना है 45 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 5 लाख ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब गुडविल के 5 लाख देने पड़ेंगे। ओके, तो इस मैट्रिक्स से गुडविल कितनी है, 1 लाख इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालते गुडविल देखिएगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा इस मैट्रिक्स से, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, देखो आपने पेमेंट कितना किया, परचेज कंसिडरेशन मैंने पेमेंट कितना किया 9 लाख रुपीज माइनस, अब देखो आपने एसेट कितने की, मुझे एसेट का मतलब नेट एसेट्स, अपने नेट एसेट कितने की, नेट एसेट कितने की लिए थे 8 लाख, तो 8 लाख की एसेट थी, 9 लाख पेमेंट किया, मतलब मैं 1 लाख रुपए ज्यादा दी हूँ किस बात के, गुडविल। हाँ जी, एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख देना चाहूंगा मैं, नेट एसेट कैसे निकालते हैं, स्टार नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट का मतलब जो भी एसेट्स हैं टोटल एसेट्स, उसमें से अगर कोई लाइबिलिटीज है तो उसे माइनस कर दीजिएगा। ये अपना मेथड खत्म हो गया 6th मैथ। चलिए इस मेथड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमिंड एट 3,50,000। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 3,50,000, 3.5 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन, मतलब आपको पेमेंट कितना करना है 3,50,000। आगे लिखा है द एसेट्स वर रुपीज 4 लाख एंड द लाइब्रेरीज वर रुपीज 80,000। कह रहा है आपने जो असेट्स ली है वो असेट्स तो 4 लाख रुपए की थी, साथ में आपने लाइब्रेरीज भी ली और वो लाइब्रेरी है 80,000। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। अब बात यह आती है परचेज कंसिडरेशन कितनी है 3,50,000 माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट का मतलब क्या होता है बेटा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, मैं यहां निकाल लेता हूं, नेट एसेट्स इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी 4 लाख, लाइबिलिटीज कितनी 80,000, मतलब नेट एसेट कितनी हुई 3,20,000, मतलब आपने 3,20,000 की एसेट खरीदी जबकि आपने पेमेंट कितना कर दिया 3,50,000, मतलब आपने
गुडविल। ओके तो गुडविल के 6 मेथड थे, 6 के 6 ओवर पे कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।